हेलो एवरीवन वेलकम टू टूडेज वीडियो एंड आई नो मैंने पिछले दो तीन दिनों से वीडियो नहीं बनाई है बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग एंड फ्लाइट की टाइमिंग्स थोड़ी सी खराब थी इसके कारण मैं वीडियोस नहीं बना पाया लेकिन आज होने वाला है काफी प्रोडक्टिव दिन क्योंकि हम यहाँ पे देखेंगे कि बिटकॉइन कैसे परफॉर्म कर रहा है क्या एक्सपेक्टेशन है हमारी आज मार्केट से प्लस हम देख रहे हैं कि आज के जो स्टॉक मार्केट है वो काफी पॉजिटिव लग रहे हैं तो यहाँ पे एक क्विक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है तो वो एक ट्रेड हम देखेंगे मार्केट में जो हमें मिल रहा है साथ ही साथ आज सात बजे मैं एक वेबिनार कर रहा हूँ जिसमें हम फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे तो ये फ्री वेबिनार है जिसको भी ज्वाइन करना हो मेक श्योर कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल हो क्योंकि वहां पे हम इसका लिंक शेयर करेंगे चलते हैं स्क्रीन की साइड एंड देखते हैं मार्केट में क्या चल रहा है। ओके okay, सो so हम स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के फोर चार्ट के साथ एंड हम फोर आवर चार्ट पे देखें कि हमें क्या देखने को मिल रहा है थोड़ा आइडिया में लग जाएगा यहाँ पे सबसे पहले तो आप देखोगे कि इन्वेस्टिंग डॉट कॉम पे आज के जो मार्केट फ्यूचर्स है वो काफी पॉजिटिव लग रहे हैं देर इज ऑलमोस्ट प्लस टू प्लस टू पॉइंट थ्री परसेंट का यहाँ पे जो है गेन दिखा रहा है इसका मतलब है कि पक्का यहाँ पे मार्केट्स ऊपर खुलने वाले हैं काफी ऊपर खुलने वाले हैं एंड उसके अराउंड आप यहाँ पे एक लॉन्ग प्लेस कर सकते हो तो सिंस मेरा ये न्यू सेटअप है यहाँ पे मैं कुछ इन नहीं हूं तो आप अपने हिसाब से लॉन्ग प्लेस कर देना मैं लाइव करके नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पे बट करेंटली लॉन्ग की जो अपॉर्चुनिटी बन रही है वो सोलाना पे बन रही है ठीक है तो सोलाना पे आप यहाँ पे एक लॉन्ग प्लेस कर सकते हो हमने ऑलरेडी एक लॉन्ग यहाँ पे किया था प्लेस कुछ दिनों पहले ये हमारे प्रीमियम की कॉल थी बट अभी भी इस पर किया जा सकता है करेंटली हम एक इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस के पास है एंड यूजअली हम रजिस्टेंस के सामने नहीं करते हैं ट्रेड लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि कुछ ही देर में अराउंड एक घंटे बाद हमारे पास स्टॉक मार्केट्स की ओपनिंग है एंड स्टॉक मार्केट्स जब ओपन करते हैं तो वहाँ की जैसी ओपनिंग होती है उस पर मार्केट कैरी फॉरवर्ड कर जाता है तो सेम चीज़ हमें यहाँ देखने को मिलेगी एंड उसका हम फायदा उठाएंगे एंड हम यहाँ पे एक सेकेंड लॉन्ग एंट्री लेंगे सोलाना पे ठीक है तो सोलाना पे आप चाहे तो एंट्री ले सकते हो बाकी रिस्क मैनेज अपने आप से आप कर सकते हो इसके बाद बात करते हैं बिटकॉइन की फोरा के चार्ट में बिटकॉइन क्या दिखा रहा है कि हम एक रेजिस्टेंस में जो कि 19,800 डॉलर से 19,400 थाउजेंड डॉलर्स के बीच की रेजिस्टेंस है यह रेजिस्टेंस क्रॉस करना जरूरी है लास्ट टाइम भी जब बिग मूव आया था बिटकॉइन में तो वो यहीं से रिजेक्ट हो गया था एंड अगर यहाँ पे दोबारा रिजेक्ट होता है तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगी एक डबल टॉप सिचुएशन एंड डबल टॉप का हमारा जो नेक रहेगा वो नाइनटीन रहेगा तो अगर यहाँ से रिजेक्ट होकर हम नाइनटीन डॉलर को ब्रेक कर देते हैं तो हमें मिलने वाली है बहुत सारी प्रॉब्लम एंड हमें उसका ध्यान रखना है क्योंकि क्योंकि आज क्योंकि इस महीने की जो इवेंट है जो मेन हेडलाइनिंग इवेंट है वो है कि इंटरेस्ट रेट हाइक कितना होता है वो बहुत जल्द आएगी एंड हम उस इवेंट के साथ साथ मार्केट पे क्रैश आता हुआ देख सकते हैं तो मेक बेकश्योर sure कि आप उसके बारे में अवेयर हो उसके अराउंड आप ट्रेड करो एंड वहां पे आप कोई भी ट्रेड लेके फंसो ना ठीक है तो यहाँ पे हम फिलहाल छोटा सा लॉन्ग लेंगे एंड ये लॉन्ग आप हाई लेवरेज भी ले सकते हो फाइव टू टेन एक्स लेवरेज आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो बिकॉज ऑलमोस्ट शॉर्ट शॉर्ट टाइप का लॉन्ग ये है तो हम यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की बेट ले सकते हैं ठीक है इसके बाद बेट क्या दिखा रहा है हमें सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमें इंडिकेटर्स क्या दिखा रहे हैं तो ट्वेंटी मूविंग एवरेज टेन मूविंग एवरेज दोनों सपोर्ट काम कर रहे हैं तो ये इस मुख्य बनाता है शायद मेरी ट्रिप खत्म हो गई है इसलिए मार्केट ऊपर जा रहा है ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं कमेंट सेक्शन में लेकिन उसके और भी रीजन है एंडसोल्ड तो करके यहाँ पे भी हो सकता है डबल टॉप बनाए एंड मार्केट को नीचे आता हुआ तो दिस इज समथिंग लाइक काइंड ऑफ चीज कही जा सकती है क्योंकि हमारे पास जो एस एन पी फाइव हंड्रेड है वो भी अपने रेजिस्टेंस के पास जा रहा है एंड ये रेजिस्टेंस के पास ये ऑलरेडी बार बार रिजेक्ट हो चुका है जब भी बड़े डंप आते हैं तो उसके बाद एक सडन अपसाइड मूव आता है थोड़ी देर मार्केट और ट्रैप करने की कोशिश करता है बुल्स को उसके बाद मार्केट नीचे गिरता है इसके एग्जांपल्स अगर आपको देखने तो स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ था मार्केट डंप किया वापस ऊपर गया बुल्स को ट्रैप किया फिर से नीचे चला गया ठीक है यहाँ पे भी हमारे साथ ऐसे ही हुआ था तो इस बार भी गुड पॉसिबिलिटी की ऐसे ही हो क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमीज में जो कंडीशन हैं वो सिचुएशन अभी कुछ खास ठीक हुई नहीं है यहाँ पे एक ट्रेड दिख रहा है वो ट्रेड हम ले लेंगे बाकी हम ऑल्ट कोइंस को देखें तो इथियरियम में क्या हमें देखने को मिल रहा है इथीरियम ने ज्यादा अच्छा ऊपर की साइड मूव नहीं करा है यू गाइज आर अवेयर कि हमने एक इथीरियम का शॉर्ट लिया था उस शॉर्ट को हमने यहां पर क्लोज कर दिया था हम थोड़े से प्रॉफिट पे आए थे इट वॉज नॉट अ गुड ट्रेड लेकिन मैं यहाँ पे दोबारा से एक इथिरियम का शॉर्ट लूंगा जिसका मैं फर्स्ट एंट्री अभी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा तो यहाँ पे मैं उस शॉट को इस एरिया में बिल्ड करने की सोच रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे फिर मेरा रिस्क और कम हो जाएगा हम हमने वो अराउंड फोर परसेंट पे क्लोज़ किया है फोर परसेंट के प्रॉफिट पे अब सेकंड वाला जो मेरा शॉट रहेगा वो इस एरिया में रहेगा ठीक है यू डोंट नीड टू फॉलो माय एडवाइस यू डोंट नीड टू फॉलो माई ट्रेड्स अब अपनी एनालिसिस से खुद से ट्रेड करो क्योंकि लास्ट टाइम भी काफ़ी सारे लोगों ने क्या किया था इथीरियम शॉर्ट थोड़ा सा ही बैठ गया था तो उसी पर उन लोगों ने लॉस बुक कर लिया था बिकॉज उन्होंने हाई रिस्क एंट्रीज ले ली थी ठीक है तो प्लीज़ ऐसा मत करो हाई रिस्क एंट्रीज मत लो मैं ट्विटर पर अभी भी देख रहा हूँ की ट्वेंटी ट्वेंटी एक्स वाले स्क्रीन शॉट्स मुझे शेयर हो रही है प्लीज ऐसा करके कोई फायदा नहीं है और चीजों की साइड अगर हम देखें तो इस टाइम पे जो बी टी सी डोमिन है वो अभी भी राइज कर रही है डोमिन करेंटली सीधा सीधा ऊपर जा रही है एंड डोमिन जब भी नीचे रहती है अराउंड फोर्टी परसेंट के आसपास रहती है तब जब ऑल्ट को आप एंट्रीज ले सकते हो और स्कैल्पिंग ऊपर की साइड जाके एंड उस टाइम पे आपका मेजर पोर्टफोलियो जो है बेटकॉइन पे होना चाहिए बिकॉज मेजर पोर्टफोलियो आपका सेफ रहेगा एंड ऑल्टवाइंस पे स्कैप करके आप ऊपर बेच के और बेटकॉइन बाय कर सकते हैं